ठाकरे इस परिवार से जुड़े जिन लोगों के नाम आए दिन चर्चा में रहे हैं वे हैं बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे। लेकिन 90 के दशक में एक और ठाकरे की तूती महाराष्ट्र की राजनीति में बोलती थी। ये ठाकरे थी एक महिला जिनका नाम था स्मिता ठाकरे। आखिर कौन थी स्मिता ठाकरे और महाराष्ट्र की राजनीति में इनका क्या रसूख था और अचानक ये खबरों से गायब क्यों हो गई, आज बात करेंगे इन्हीं स्मिता ठाकरे के बारे में। मंगलवार की शाम मुंबई के सह्याद्री सरकारी गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से स्मिता ठाकरे ने मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद स्मिता ठाकरे ने कहा कि शिंदे से उनका पुराना परिचय है और वे उन्हें शुभकामनाएं देने आई थी, लेकिन इस मुलाकात ने चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। स्मिता ठाकरे को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की बहू रही हैं और 90 के दशक में वे शिवसेना के भीतर एक अलग शक्ति केंद्र बन गई थी। बाला साहेब ठाकरे के 3 बेटे थे, बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव। इनमें से जो दूसरे नंबर का बेटा है जयदेव, उनके साथ स्मिता की शादी साल 1987 में हुई। शादी से पहले स्मिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और फिर उन्होंने नारी नाम का एक बुटीक शुरू किया था। जयदेव के साथ स्मिता की शादी ज्यादा टिक नहीं पाई। जयदेव की अपने पिता बाला साहेब ठाकरे से भी नहीं जमती थी। साल 2004 में जयदेव का स्मिता से तलाक हो गया, लेकिन स्मिता ने मातोश्री में रहना जारी रखा और अपने नाम के आगे ठाकरे लगाती रही। बाला साहेब ठाकरे की बहू होने के नाते स्मिता ठाकरे ने शिवसेना में अपना अच्छा खासा रसूख जमा लिया और पार्टी की ओर से लिए जाने वाले अहम फैसलों में उनका दखल रहता। साल 1995 से लेकर साल 1999 तक जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सत्ता थी, उस दौरान स्मिता ठाकरे का नाम आए दिन अखबारों में छपते रहता था। 90 के दशक में स्मिता ने बॉलीवुड में भी अपना अच्छा खासा दबदबा बना लिया। वे अक्सर बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पेज 3 पार्टियों में नजर आती। अगर किसी फिल्मकार को कोई तकलीफ होती तो स्मिता ठाकरे से संपर्क करता। उन्होंने साल 1999 में एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था हसीना मान जाएगी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी। हालांकि स्मिता ठाकरे ने मात्र एक ही फिल्म प्रोड्यूस की थी, लेकिन उन्हें साल 2001 में इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन यानी इम्पा का अध्यक्ष बना दिया गया। शिवसेना की महाराष्ट्र में सत्ता के दौरान मुख्यमंत्री नारायण राणे की ओर से उनकी संस्था मुक्ति के लिए जुहू जैसे महंगे इलाके में जमीन भी दी गई। स्मिता ठाकरे के सियासी सफर पर उस वक्त ब्रेक लग गया जब साल 2003 में उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्याध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने पार्टी की पूरी ताकत अपने पास केंद्रित कर ली और उन्होंने अपने खास लोगों का एक सर्कल बनाया। पार्टी में इन्हीं खास लोगों की सुनी जाती थी और पुराने लोगों को दरकिनार किया जाने लगा। इससे खफा होकर नारायण राणे और राज ठाकरे जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और शिवसेना में स्मिता ठाकरे की अहमियत भी खत्म हो गई। इसके बाद स्मिता ठाकरे राजनीति की दुनिया में गुमनाम हो गईं। हालांकि फिल्में बनाने का काम और अपने एनजीओ मुक्ति फाउंडेशन का काम उन्होंने जारी रखा। अखबारों की सुर्खियों से उनका नाम गायब हो गया। अब लंबे अरसे बाद शिंदे से मुलाकात के बहाने वे फिर खबरों में नजर आई हैं। इस मुलाकात के बाद अब सियासी हलकों में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में स्मिता ठाकरे शिंदे गुट की शिवसेना के साथ राजनीति की नई पारी शुरू करने जा रही हैं। माना यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने साथ किसी न किसी ठाकरे को जरूर रखना चाहते हैं, क्योंकि बीते 6 दशकों में शिवसेना और ठाकरे ये दो शब्द एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं।